आपको बड़ी खबर दिल्ली से दे देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई। भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री की बैठक फिलहाल समाप्त हो चुकी है। ईएसआईसी अस्पताल और जंगल सफारी को लेकर कहा जा रहा है कि चर्चा हुई है। सोहना में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनाई जाएगी। ईएसआईसी अस्पताल में सामान्य नागरिक भी अब इलाज करा सकेंगे, इसको लेकर भी बैठक में बातचीत हुई है। तो बैठक फिलहाल जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। बैठक को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं, बैठक समाप्त हो चुकी है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, खासतौर पर सोहना में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनाए जाने को लेकर बातचीत हुई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से जंगल सफारी सोहना में बनाई जाएगी, कई एकड़ जमीन को लेकर इस पर बातचीत हुई है। जानकारी इस पर ले लेते हैं ज्यादा। दीपक जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ ज्यादा डिटेल्स के साथ। अपडेट क्या बैठक को लेकर? बैठक खत्म हो चुकी है दीपक, किन किन मुद्दों पर हुई बातचीत? जी बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली में है और दिल्ली में श्रम मंत्री के साथ, श्रम मंत्री के साथ भूपेंद्र यादव के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की यह मुलाकात थी। इस दौरान हरियाणा के और केंद्र के जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं वो मौजूद थे और इसमें कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। एक तो पर्यावरण के मुद्दे को भी चर्चा की गई है क्योंकि पर्यावरण मंत्री भी हैं भूपेंद्र यादव। तो श्रम मंत्रालय को लेकर अगर बात करें तो हरियाणा में एक तो गुरुग्राम के अंदर 500 बेड का ईएसआई अस्पताल जो है उसको लेकर के चर्चा की गई। इसके अलावा 5 अन्य अस्पतालों को लेकर के चर्चा की गई है। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने एक बात रखी है कि जो ईएसआई अस्पताल है यहाँ सामान्य नागरिक भी उपचार करा सके, जो अन्य जो लोग हैं, जो तमाम लोग हैं जो ये ईएसआई के एम्प्लॉय नहीं है वो लोग भी वहाँ पर अपना उपचार करा सके, इसको लेकर के चर्चा की गई है। और इसके साथ साथ जो ईएसआई के जो एम्प्लॉयज है कंपनियों के वो भी अन्य अस्पतालों में उपचार करा सके, इसको लेकर के यहाँ पर जो है इस बैठक में अगर बात की जाए तो चर्चा जो है की गई है। ऐसे कई अहम निर्णय थे जो इस बैठक में लिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पर्यावरण को लेकर के भी यहाँ पर कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। जहाँ तक पर्यावरण की बात की जाए तो सोहना के अंदर 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनाने की योजना जो है वो हरियाणा सरकार की है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर। उनका कहना है कि 10,000 एकड़ को लेकर के बाकायदा बाउंड्री भी की गई है, मैपिंग भी की गई है, कुछ कंपनियों के द्वारा पूरा सर्वे भी करवाया गया है। तो 10,000 एकड़ ऐसी जमीन है जो कि वन विभाग की है, वहाँ पर इस तरीके से उनका कहना है कि पूरे क्षेत्र में क्या जो है जंगल सफारी की शुरुआत की जा सके, टूरिज्म की दृष्टि से बढ़ावा दिया जा सके, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई थी इस बैठक के अंदर और कई मुद्दों को लेकर के निर्णय भी लिए गए हैं। जी बिल्कुल, अब इसके बाद आगे का क्या रहेगा मुख्यमंत्री का पूरा कार्यक्रम? बैठक समाप्त हो चुकी है, अगला पड़ाव कहाँ मुख्यमंत्री का दीपक? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भाजपा के मुख्यालय में पहुंचेंगे। भाजपा मुख्यालय की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हरियाणा के सभी भाजपा विधायकों और सांसदों की बैठक है, जिसमें अगर बात करें 3 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत, 3 जिलों के सांसद और विधायक जो है वो मौजूद रहेंगे भाजपा मुख्यालय में, जो की पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा बाकी अन्य 7 लोकसभा क्षेत्रों के जो सांसद और विधायक है वो वर्चुअली इस बैठक से जुड़ेंगे। तो ये बैठक है जो कि अब से कुछ देर के बाद शुरू होनी है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कुछ देर में भाजपा मुख्यालय में पहुंचेंगे। हालांकि इसके बाद दोपहर को अगर बात की जाए, दोपहर बाद मुख्यमंत्री फरीदाबाद जाएंगे जहाँ 4 बजे भाजपा अगर बात की जाए कार्यालय का उद्घाटन है। शुक्रिया आपका दीपक इस पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक भूपेंद्र यादव के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हुई। राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा, ईएसआईसी अस्पताल को लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए प्रदेश में, इस पर भी बातचीत हुई है। सोहना में जंगल सफारी को लेकर जमीन ले जाने को लेकर भी बैठक में बातचीत। अब आगे मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ रहने वाली है। बीजेपी मुख्यालय का रुख अब किया जा रहा है सीएम मनोहर लाल की तरफ से। भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री के बीच जो बैठक चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर के दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल, बीजेपी मुख्यालय जा रहे हैं अब सीएम बैठक खत्म होने के बाद भूपेंद्र यादव के साथ। इसके बाद फरीदाबाद का रुख किया जाएगा सीएम की तरफ से, जहां पर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। इस दौरान मूलचंद शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सामान्य समय में भी कुछ बेड्स अभी भी जो हमारे ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर रिजर्व रखते हैं, इस प्रकार के जो बाकी पेशेंट्स आते हैं, लेकिन उसमें एक दूसरे की जो क्षमताएं हैं उसका उपयोग हम कर सकें ताकि लोगों को लाभ जो है सब जगह मिल सके। जहाँ श्रमिक रहते हैं और ईएसआई हॉस्पिटल नहीं है या मानो छोटे डिस्पेंसरीज भी नहीं है, वहाँ भी सरकारी अस्पतालों का उपयोग
उसी आधार पर जो उनको जो सहायता ईएसआई से मिलती है उस प्रकार की जो सहायता उनको सरकारी अस्पतालों से मिले, और जहाँ अच्छा नेटवर्क ईएसआई का है वहाँ जनरल पब्लिक को भी उसका लाभ है। बहुत शीघ्र गति से जो भूमि उपलब्ध कराई है, निश्चित रूप से हरियाणा के श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधा देने की दृष्टि से, ई श्रम के माध्यम से रोजगार दृष्टि के द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दृढ़ता से लागू किया उसमें आभार व्यक्त करते हैं। और दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में ये जो अरावली का जो रेस्टोरेशन का काम है वो हरियाणा में बहुत अच्छा हुआ है। हम पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भी गुड़गांव के नजदीक जो हमने अरावली रेस्टोरेशन का काम किया उसको हमेशा एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और अभी अरावली के 10,000 एकड़ जमीन को अरावली का रेस्टोरेशन करते हुए एक सफारी पार्क के निर्माण का जो उन्होंने पूरा संकल्प किया है, निश्चित रूप से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय हमारा जो पूरी तरीके से उसमें सहयोग करेगा, और ये हरियाणा के विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ मुख्यमंत्री जी लगे हैं।